नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं पहले टाइप्स ऑफ थ्रेड्स। दो तरह के थ्रेड होते हैं। पहला यूजर थ्रेड, जितने थ्रेड अपन ने अभी तक बनाए हैं वो सारे यूजर थ्रेड थे। एपलेट के केस में एनिमेशन वाले जो थ्रेड अपन ने बनाया था एनिमेशन के लिए वो यूजर थ्रेड था, या जो अपन ने रैंडमली सर्कल बनाए थे रैंडम कलर में वो सारे यूजर थ्रेड्स थे। तो यूजर थ्रेड जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे एनिमेशन की इमेजेस चेंज करना। और दूसरे होते हैं डीमन थ्रेड्स। डीमन थ्रेड्स जो होते हैं वो होते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग थ्रेड्स। ऐसे थ्रेड्स जो दूसरे थ्रेड्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको डीमन थ्रेड्स कहते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है गार्बेज कलेक्टर थ्रेड। जावा में मेमोरी को डीएलोकेट करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें एक प्री डिफाइंड गार्बेज कलेक्टर थ्रेड होता है जो टाइम टू टाइम मेमोरी को स्कैन करता है और जो मेमोरी कहीं से भी रेफर नहीं की जा सकती उसको फ्री कर देता है। तो वो मेमोरी फ्री कर रहा है जिससे कि प्रोग्राम के किसी और पार्ट को अगर मेमोरी चाहिए तो वो अलोकेट हो सके। तो वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइडिंग थ्रेड है। तो सर्विस प्रोवाइडिंग थ्रेड्स को कहते हैं अपन डीमन थ्रेड्स। इस पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है टाइप्स ऑफ थ्रेड्स पे एक दो नंबर का। अब किसी भी थ्रेड को अपने को पता लगाना हो कि वो डीमन थ्रेड है या नहीं तो थ्रेड क्लास का मेथड होता है इज डीमन। ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर टी नाम का थ्रेड जो है वो यूजर थ्रेड है तो फॉल्स, और डीमन थ्रेड है तो ट्रू। अगर किसी थ्रेड को डीमन थ्रेड मार्क करना हो तो टी डॉट सेट डेमन ट्रू, इससे थ्रेड डीमन थ्रेड बन जाएगा। अब डीमन थ्रेड सर्विस प्रोवाइडिंग थ्रेड्स होते हैं। अब मान लो आपके प्रोग्राम में 8 यूजर थ्रेड है और 2 डीमन थ्रेड है, तो अभी 10 थ्रेड्स हैं टोटल। जब आपके सारे यूजर थ्रेड एंड हो जाएंगे, मतलब 8 आठ यूजर थ्रेड है और 2 डीमन थ्रेड है, तो जब ये 8 यूजर थ्रेड एंड हो जाएंगे तो JVM एग्जिट हो जाएगा, मतलब JVM एंड हो जाएगा, वो डीमन थ्रेड्स के एंड होने का वेट नहीं करेगा क्योंकि ये 2 थ्रेड्स जो हैं ये इन 8 को ही सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हैं। अब जब ये 8 थ्रेड एंड हो चुके हैं तो JVM भी एग्जिट हो जाए। फिर अपन अब स्टार्ट करते हैं थ्रेड क्लास के 2 नए मेथड इज अलाइव और जॉइन। ये माय क्लास अपन ने वही ली है जो कल ली थी, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसको अपन मेन से समझें। मैंने माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मेन में ए। माय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने थ्रेड 4 क्लास के मेन में। इससे ये फर्स्ट इसमें जाएगा NM में। फिर मैंने थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करी, थ्रेड को स्टार्ट किया, तो ये पहला थ्रेड स्टार्ट हो गया। फिर माय क्यू इक्वल टू न्यू माय सेकंड, सेकंड किस में जाएगा NM में। फिर मैंने थ्रेड को मेमोरी अलोकेट करके स्टार्ट किया तो ये सेकंड थ्रेड स्टार्ट हो गया। इसी तरह से थर्ड थ्रेड स्टार्ट हो गया। अभी ये जो 3 ऑब्जेक्ट हैं माय क्लास के, इन सब में एक थ्रेड है टी नाम। अब कल मैंने आपको बताया था कि अगर अपन चाहें कि मेन थ्रेड लास्ट में एंड होना चाहिए तो अपन मेन थ्रेड में स्लीप टाइम ज्यादा दे देंगे। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर अपन चाहें कि मेन थ्रेड जो है इन सारे थ्रेड्स के ए क्यू और आर के अंदर जो टी नाम का थ्रेड है उनके एंड होने का वेट करें, तो वो कैसे करेंगे वो देखें अपन। तो अभी मैंने यहाँ प्रिंट करवाया ए डॉट टी डॉट इज अलाइव। ये जो 3 थ्रेड भी स्टार्ट हुए हैं ए क्यू और आर के अंदर टी नाम वाले, वो स्टार्ट हो गए, मतलब वो कौन सी स्टेट में आ गए, रनेबल स्टेट। ए क्यू और आर के अंदर जो टी नाम के थ्रेड हैं उनकी स्टेट है अभी रनेबल। रनेबल मतलब जो रन हो सकते हैं। तो इज अलाइव मेथड थ्रेड क्लास का मेथड है। अगर थ्रेड रनेबल या ब्लॉक्ड स्टेट में है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, और न्यू या टर्मिनेटेड स्टेट में है तो फॉल्स। तो अभी ये तीनों थ्रेड जो हैं
ए का टी, क्यू का टी और आर का टी, ये तीनों रनेबल स्टेट में है तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अब अगर अपन चाहें कि थ्रेड जो है मेन थ्रेड लास्ट में एंड होना चाहिए, तो मेन थ्रेड के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सारे थ्रेड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ए डॉट टी डॉट ज्वाइन, ए ऑब्जेक्ट के अंदर टी, क्यू में टी और आर में टी, तीनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन मैंने मेन के अंदर से इन तीन थ्रेड्स को किया है, तो मेन तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये तीनों थ्रेड्स एंड नहीं हो जाते। तो अब इसका मतलब मेन इन तीनों थ्रेड्स के एंड होने का वेट करेगा इनफाइनाइट इनडेफिनिट टाइम तक। मतलब जब तक ये सारे थ्रेड्स एंड नहीं हो जाएंगे, ए क्यू और आर के अंदर के टी वाले थ्रेड, तब तक मेन आगे नहीं बढ़ेगा। मेन आगे नहीं बढ़ेगा इसका मतलब मेन लास्ट में एंड होगा। अब जैसे आपने इंटरनेट पे कई बार देखा होगा रिक्वेस्ट टाइम आउट आता, तो उसमें तो स्पेसिफिक टाइम होता है कि सर्वर से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए 25 सेकंड, 30 सेकंड या एक मिनट वेट करता है। ये जो ज्वाइन है ये इनडेफिनेट टाइम तक वेट करेगा। इसका एक ज्वाइन और होता है जिसमें अपन एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, जिसमें अपन ये बता सकते हैं कि ये मैक्सिमम कितने टाइम तक वेट करेगा। अगर मैं यहाँ 10,000 दे दूंगा ज्वाइन में, तो ये 10,000 मिलीसेकंड्स मतलब 10 सेकंड्स तक वेट करेगा इन इस थ्रेड के एंड होने का। अगर 10 सेकंड में ये थ्रेड एंड हो जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो मेन आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ज्वाइन बिना आर्ग्यूमेंट वाला इनडेफिनेट टाइम तक स्पेसिफिक थ्रेड के एंड होने का वेट करता है, जबकि ज्वाइन एक आर्ग्यूमेंट वाला जितना टाइम अपन ने दिया है उतने टाइम तक वेट करेगा, उतने टाइम के बाद फिर ये मेन थ्रेड आगे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अब अगर अपन प्रिंट करवाते हैं, ज्वाइन तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अब अगर मैं इसके बाद कैच के बाद प्रिंट करवाता हूँ ए डॉट टी डॉट इज अलाइव और क्यू डॉट टी डॉट इज अलाइव और आर डॉट टी डॉट इज अलाइव, तो अब ये फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि मेन आगे तभी बढ़ेगा जब ये तीनों थ्रेड्स एंड हो चुके होंगे। तीनों थ्रेड्स एंड हो चुके हैं तो इनका इज अलाइव अब क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। मैंने यहाँ पे माय क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं ए, क्यू और आर। ए का टी अलग होगा, क्यू का टी अलग और आर का टी अलग। ऐसे ही ए का नेम अलग होगा, क्यू का नेम अलग और आर का नेम अलग। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं स्टूडेंट क्लास के तीन ऑब्जेक्ट बनाऊं ए, क्यू और आर, तो ए का रोल नंबर नेम अलग होगा, क्यू का रोल नंबर नेम अलग होगा, आर का रोल नंबर नेम अलग होगा। उसी तरह से यहाँ पे ए, क्यू और आर के अंदर तीन थ्रेड्स हैं टी नाम के, तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बस तीनों का इतना रिलेशन है कि ये मेन के अंदर से क्रिएट किए गए हैं। तो मैं मेन के अंदर इन तीनों को ज्वाइन कर रहा हूँ कि जब तक मेन आगे नहीं चले, जब तक कि ये तीनों थ्रेड्स एंड नहीं हो जाते। अब थ्रेडिंग को इम्प्लीमेंट करने का एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया कि इम्प्लीमेंट्स रनेबल लिखने, दूसरा तरीका मैंने लिखा क्लास माय एक्सटेंड्स थ्रेड, थ्रेड क्लास की चाइल्ड क्लास बना ली, थ्रेड क्लास की चाइल्ड क्लास बना ली। तो अब आपको अलग से थ्रेड टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्ट्रिंग नेम लिया। फिर मैंने यहां सुपर एनएम लिखा, इसको अपन मेन से समझें तो मैंने लिखा माय ए इक्वल टू न्यू माय फर्स्ट, फर्स्ट किस में जाएगा? एनएम के अंदर। एनएम के अंदर फर्स्ट गया और एनएम को मैंने सुपर एनएम लिखा। सुपर से पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो इसकी पेरेंट क्लास कौन सी है? थ्रेड, तो थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। फिर मैंने एनएम को नेम में असाइन कर दिया और फिर मैंने लिखा स्टार्ट, तो इससे थ्रेड स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट रन को कॉल करेगा। तो इस केस में आपको अलग से थ्रेड ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है क्योंकि इसकी पेरेंट क्लास ही थ्रेड है।
पेरेंट क्लास थ्रेड है तो डायरेक्टली आप सुपर से कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे, डायरेक्टली स्टार्ट को कॉल करोगे, तो ये थ्रेड का स्टार्ट कॉल होगा जो कि रन को कॉल करेगा। तो ये स्टेटमेंट लिखने से एक थ्रेड बन गया और वो रनेबल स्टेट में आ गया, और फिर बाकी का कोड वही है जो अपन ने कल किया था। एक लूप यहाँ चलाया है और एक लूप मैंने यहाँ चलाया। तो अगर अपन एक्सटेंड थ्रेड लिखते हैं तो आपको अलग से थ्रेड ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, डायरेक्टली आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो और स्टार्ट मेथड को कॉल कर सकते हो।